औरंगजेब मुगल सल्तनत का छठे नंबर का बादशाह था, जिसका पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मोहिनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब या आलमगीर था। आलमगीर नाम उसे जनता का दिया हुआ था, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में पैदा हुए औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां के 4 बेटे थे, सबसे बड़े का नाम दारा शिको, दूसरे नंबर पर औरंगजेब, तीसरे नंबर पर शाह शुजा और सबसे छोटे का नाम मुराद बख्श था। दारा शिको सबसे बड़ा होने की वजह से शाहजहां गद्दी का अगला वारिस उसी को बनाना चाहते थे। दारा शिको बहुत ही उदारवादी और शांत ख्यालात का था। वो विद्वानों और आलिमों से मेल मिलाप रखना पसंद करता था। उसने संस्कृत उपनिषदों का अनुवाद फारसी में कराया। उसको राजपाट और राजनीतिक कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और वो तलवारबाजी और जंगबाजी में ज्यादा एक्सपर्ट भी नहीं था, जबकि औरंगजेब बहुत ही निडर और राजनीतिक कामों में दिलचस्पी रखना पसंद करता था। वो तलवारबाजी और कूटनीति में बहुत होनहार था। उसने 14 साल की उम्र में एक पागल हाथी के सामने डटकर खड़े रहकर अपने निडर होने का सबूत दे दिया था। दारा शिकोह की गद्दी पाने की दौड़ में सबसे बड़ी चुनौती औरंगजेब ही था, उसमें क्योंकि एक बादशाह होने की सारी खूबियां थी। उसके बाद औरंगजेब को गुजरात का सूबा दिया गया, जहां सूरत जैसा बड़ा शहर मौजूद था। गुजरात के बाद औरंगजेब को सिंध का सूबा सौंपा गया। सिंध मुगलिया खजाने को बहुत ज्यादा धन देता था। इसी दौरान शाहजहां ने औरंगजेब को काबुल कंधार अभियान पर भेजा। काबुल हमेशा मुगल जीतना चाहते थे, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। अब काबुल जीतना औरंगजेब के लिए एक चुनौती थी। अगर औरंगजेब काबुल जीतता तो वो सत्ता के ज्यादा करीब आ जाता, इसलिए उसने काबुल जीतने के लिए दिलों जान से पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इस पर शाहजहां उससे नाराज हो गया और दोनों में कहासुनी हो गई। अब शाहजहां ने उसका तबादला फिर से दखन में कर दिया। 1657 में औरंगजेब ने बीजापुर के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसी जंग के दौरान शिवाजी ने अपना एक वकील औरंगजेब के पास भेजा और कहा, हम तुम्हारे साथ हैं और अगर तुम सहमत हो तो हम तुम्हारे साथ अपने 100 घुड़सवार तुम्हारी मदद के लिए भेजने को तैयार है, लेकिन इसके बदले में बीजापुर का जो हिस्सा हम जीतेंगे उस पर मुगलों का कोई अधिकार नहीं होगा, उसको सिर्फ हम लेंगे। इस बात को सुनकर औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया और उसने शिवाजी की बात मानने से इनकार कर दिया। इसके ठीक 1 हफ्ता बाद शिवाजी ने मुगलों के सूरत प्रांत को लूट लिया, लेकिन बीजापुर युद्ध और शाहजहां की तबीयत खराब होने की वजह से औरंगजेब शिवाजी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सका। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर चारों भाइयों में गद्दी हथियाने के लिए लड़ाइयां शुरू हो गई। औरंगजेब ने पहले तो मुराद से हाथ मिलाकर शाह शुजा और दारा शिको को खत्म कर दिया। इसके बाद छल कपट से मुराद बख्श को भी खत्म कर डाला। शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बनाकर औरंगजेब ने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया, पहले 31 जुलाई 1658 को, दूसरा 15 जून 1659 को। गद्दी पर बैठते ही औरंगजेब ने अपने राज्य के सभी कामों को अपने हाथों में लेकर अच्छी तरह देखभाल शुरू की। उसे अपने राजनीतिक विस्तार के लिए ज्यादा से ज्यादा काम शुरू कर दिए। औरंगजेब ने ना तो किसी धर्म का प्रचार किया, न ही वो खुद को सिर्फ मुसलमानों का बादशाह मानता था। वो सारी जनता के लिए एक जैसा बर्ताव रखता था। सच है कि वो एक सुन्नी मुसलमान था और इस्लाम मजहब में ज्यादा दिलचस्पी रखता था। उसने अपने राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए मंदिर मस्जिद किसी में भेदभाव नहीं किया। उसका मकसद किसी को बढ़ावा देना नहीं था, सिर्फ अपना राजनीतिक विस्तार बनाए रखना था। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब ने हिंदू राजाओं के मंदिर तोड़े, लेकिन उसका मकसद हिंदू धर्म को खत्म करना नहीं था। ये दस्तूर तो हमारे देश में प्राचीन काल से चला आ रहा था। अगर हम प्राचीन इतिहास को उठाएं तो जब भारत में मुसलमान नहीं थे तब भी राजा आपस में लड़ते थे और एक दूसरे के कुल देवता के मंदिर भी तोड़ते थे, क्योंकि मौजूदा राजा अपने राज्य में सिर्फ अपने कुल देवता का मंदिर रखते थे और उसको अपनी लाज समझते थे। इसलिए हारे हुए राजा के कुल देवता का मंदिर तोड़कर वो उसको नीचा दिखाना चाहता था। ठीक यही औरंगजेब के शासन काल में हुआ, लेकिन उसने एक बार अपने अधीन एक राजा के टैक्स न देने पर उसके राज्य की मस्जिद भी तोड़वा दी। इससे पता चलता है कि औरंगजेब को मंदिर मस्जिद से इतना कोई लेना देना नहीं था। उसका मकसद अपने राज्य की खुशहाली और धन इकट्ठा करना था। असम के जाने माने कामाख्या मंदिर के बारे में आपने सुना ही होगा, औरंगजेब के दान से चलता था। इन सब से पता चलता है कि उसका मकसद सिर्फ अपनी प्रजा का ध्यान रखना था, ना कि किसी धर्म का प्रचार करना। औरंगजेब के जमाने में सबसे ज्यादा जागीर हिंदुओं के पास थी। औरंगजेब ने गद्दी पर बैठने के 8 साल बाद हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जो उनके धन का 1.25% हुआ करता था, और साथ ही मुसलमानों पर खैरात कर लगाया, जो कि धन का 2.5% होता था। ये कर मुसलमानों में आज भी लागू है, जो गरीबों में बांटा जाता है। औरंगजेब के बारे में कहावत है कि दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। औरंगजेब दक्कन में भी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसलिए वो दक्कन में ज्यादा लगा रहा और अपने राज्य पर पूरा ध्यान न दे सका,
जिससे उसके राज्य के सरदार और जागीरदार आपस में लड़ने लगे और बगावतें शुरू हो गई। राज्य की बदहाली देखकर औरंगजेब वापस आ गया और अपने राज्य की देखभाल की और दखन में जाने का सपना छोड़ दिया। औरंगजेब वीणा बजाते थे और भारत में सबसे पहली अंग्रेजी तालीम हासिल करने वाली औरत औरंगजेब की बेटी जेबुनिसा थी। औरंगजेब को तालीम हासिल कराना और करना बड़ा पसंद था। बादशाह औरंगजेब हमेशा सादा लिबास पहनते और सादगी से रहना पसंद करते थे। वो हाथ से कुरान लिखते थे और टोपी भी बुनते थे। औरंगजेब की मौत 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में बीमारी के चलते हो गई। उन्होंने 48 साल तक शासन किया। अब बात आती है मकबरे की। सवाल उठता है कि आगरा में शासन करने वाले बादशाह की कब्र महाराष्ट्र में क्यों? महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूर खुल्दाबाद शहर है, जहाँ पर एक मशहूर वली जिनका नाम हजरत ख्वाजा सईद जैनुद्दीन चिश्ती सिराजी है। इस मजार पर औरंगजेब अक्सर जाया करते थे और उनको अपना गुरु मानते थे। मरने से पहले औरंगजेब ने अपने बड़े बेटे आजम शाह, जो गद्दी के अगले वारिस थे, उनको बुलाकर वसीयत की कि मुझे मेरे गुरु यानी सिराजी साहब की मजार के पास दफनाना और मेरी टोपी बुनने की कमाई जो मैंने जमा की है वो 14 रुपए 12 आने पैसे अपने बेटे को देकर कहा, इनसे मेरा मजार बनवाना। जबकि कुरान लेखन के 350 रुपए भी उनके पास मौजूद थे। इस पर औरंगजेब ने कहा, ये कुरान शरीफ के लिखने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ करे। ये पैसे गरीबों में बंटवा देना, मजार में सल्तनत का कोई पैसा न लगाना। मजार बहुत सादगी से कच्ची कब्र की बनवाना और उस पर सफेद सादा चादर बिछा देना। आजम शाह ने उनकी वसीयत के मुताबिक ही उनकी कच्ची कब्र बनवाई और उसके चारों तरफ लकड़ी की जाली लगवाई। कब्र पर एक तुलसी का पौधा लगाया गया, क्योंकि तुलसी को औरंगजेब शरबत में डालकर ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये पौधा हर साल बदल दिया जाता है। उनकी कब्र को बनाने में सिर्फ यही 14 रुपए 12 आने पैसे खर्च किए गए। बाद में लॉर्ड कर्जन के बहुत कहने पर हैदराबाद के निजाम ने लकड़ी की जाली हटवाकर वहां पर संगमरमर की जाली लगवाई। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।